चकेरी थाना क्षेत्र के जुगुल टाकीज के सामने एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत की बात ये रही कि इस पूरी घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टाट मिल से रामा देवी की ओर आ रही ये रोडवेज बस जुगुल टाकीज के पास पहुंचते ही कार में टक्कर होने से बचाने के दौरान डिवाइडर पर चढ़ गई। वहीं घटना के बाद राहगीरों द्वारा सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें दूसरी बस द्वारा आगे की ओर रवाना कर दिया गया। तो वहीं इस घटना के बाद कई किलोमीटर का लंबा जाम भी लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन ठाकुर। ये क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था कि रोडवेज वहाँ से आ रही थी, एक कार वाले ने बाएं हाथ पे ओवरटेक करने की कोशिश करी और आगे पेड़ था, उसने अचानक ब्रेक मार दी तो रोडवेज वाले जो था उसने बचाने चक्कर में उधर बस काट दी, लेकिन दोबारा न मोड़ पाने की वजह से बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद बहुत बड़ा हादसा चलते हुए बच गया और कार वाला वहाँ से एंड मौके पे गायब हो गया, वो तुरंत भाग गया। बस यही हुआ था। और बस में कितने सवार थे? बस में जो सवारी तो जितनी भी थी वो सब कुशल नहीं, किसी को खरोच नहीं आई, वो उतरे और दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे। दूसरी बस जैसे ही आ गई है वो वहाँ से चले गए दूसरी बस में बैठ। अच्छा, ये घटना कहाँ की और कितने बजे की है? ये घटना भैया जीवन गार्डन की है और करीब अभी से डेढ़ घंटा पहले की है।